पाल माई नॉलेज की न्यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठाएं सबसे पहले। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर GK एंट्रेंस आदि के वीडियोज़ भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं क्लास 12 CBSE बोर्ड के संस्कृत के एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2018 का है। हमारे पास में सेट 4 है, कोड नंबर है 22, सीरीज है JE के, रोल नंबर लिखना है आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर यानी कि आंसर शीट पर। इसमें सामान्य निर्देश कुछ इस प्रकार है, कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य पढ़ें या लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वान्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर इंग्लिश में। तो ये संस्कृतम का केंद्रिकम यानी कि कोर बुक्स के लिए अवधि है होरात्रयम यानी कि 3 घंटे का, पूर्णांक मिलेगा आपको 100 मार्क्स। निर्देश इस प्रकार हैं, जहां स्पष्ट संकेत नहीं है वहां उत्तर संस्कृत में ही दीजिए। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खण्डाः सन्ति यानी कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। 4 खंडों को एक बार देख लेते हैं। खंड क अपठितांश अवबोधनम से है 10 अंक का। खंड क या सेक्शन बी रचनात्मक कार्यम से है 15 मार्क्स का। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम से है 35 मार्क का। और खंड घ होगा, इसमें भाग 2 भाग होंगे, इसमें पठित अवबोधनम से 35 मार्क का और सामान्य संस्कृत साहित्य परिचय होगा 10 मार्क का। ई सेक्शन ए यानी कि खंड क अपठितांश अवबोधनम से है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं गद्यांश को, और उस गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन इस प्रकार है। एक पदिनोत्तर यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्योत्तर यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। और स तीसरा खंड है, यथार्थ निर्देशम उत्तरत यानी कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। और चौथा खंड है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये खंड ख है, संस्कृतेन रचनात्मक कार्यम यानी कि संस्कृत रचनात्मक कार्य, 15 अंक का होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित लघु कथा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कथा को पुनः लिखिए। तो ये मंजूषा में से आपको शब्द लेना है और रिक्त स्थानों में आपको भरकर इस स्टोरी को आपको पूरा करना है। चौथा प्रश्न है, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से विजयदशमी विषय पर विषय का वर्णन 5 संस्कृत वाक्यों में कीजिए। ये मंजूषा है और इसमें से आपको शब्द लेना है। ये सेक्शन सी है यानी कि खंड ग। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये रेखांकित पद है, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। 6वां प्रश्न है, रेखांकित समस्त पदों के विग्रह लिखिए। ये रेखांकित पद है, इनका आपको विग्रह लिखना है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक के अंतर्गत दी गई प्रकृति के साथ निर्दिष्ट प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 7वां प्रश्न है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हर प्रश्न 1 नंबर का है। ये 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता एवं क्रियापदों की अन्विति कीजिए। 5 अंक का है, हर प्रश्न 1 नंबर का है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कोई भी एक आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये 9वां प्रश्न है, उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको।
ये खंड घ यानी कि सेक्शन डी भाग ए पठितांश अबोधनम से है, 35 मार्क। इसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखितम गद्यांशम पद्यम नाट्यांशम च पठित्वा तदाधारितान प्रश्नानुत्तराणि संस्कृतरत, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश पद्य तथा नाट्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये गद्यांश तीन खंडों होंगे इसमें। पहला खंड होगा गद्यांश, और गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये है पद्यम ख दूसरा खंड है, ये पद्यम है और पद्यम से रिलेटेड प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। एक पदनोत्तरतः पूर्ण वाक्योत्तरतः तथा निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तीसरा खंड है नाट्यांश, ये नाट्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। जैसा कि प्रश्न है, एक पदनोत्तरतः पूर्ण वाक्योत्तरतः यथा निर्देशम उत्तरतः। ग्यारहवा प्रश्न है यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तरतः, यानी कि इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। हर एक प्रश्न दो अंक का है। प्रत्येकम अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत, यानी कि प्रत्येक अंश के लिए दिए गए तीन भावार्थों में से शुद्ध भावार्थ चुनकर लिखिए। तो ये प्रश्न है, दो प्रश्न हैं, दो दो अंक का। उस प्रश्न के स्थान पर आप इसे भी कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये 13 यानी कि 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित दो श्लोकों के लिए दिए गए अन्वयों में से मंजूषा की पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अन्वय को पुनः लिखिए। तो ये श्लोक है और ये इसका अन्वय है, और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, और इसका रिक्त स्थान का शब्द मिलेगा आपको नीचे दिए गए मंजूषा में से, यानी कि ये दो श्लोक है और ये इनके अन्वय है, और इस मंजूषा में से आपको शब्द लेना है। ये 14वां प्रश्न, आपको इन दोनों खंडों को या स्तंभों को आपको मिलान करना है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की प्रसंगानुसार सार्थक अर्थ चुनकर लिखिए, सूची का सार्थक अर्थ आपको इनमें से चुनना है। इसी प्रकार ये 4 प्रश्न हैं, हर प्रश्न एक नंबर का है। ये है खंड घ सेक्शन डी भाग 2 सामान्य संस्कृत साहित्य परिचय, 10 अंक का है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षिप्त परिचय संस्कृत में लिखिए। आप किसी का एक का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, अंबिका दत्त व्यास, कालिदास और भर्तृहरि, अथवा आपके पास में ऑप्शन है, इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित में मंजूषा के पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पुनः लिखिए। ये मंजूषा में से शब्द लेकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हर प्रश्न हर रिक्त स्थान आधे नंबर का है, 5 नंबर आपको मिलेगा। और ये है ब यानी कि दूसरा खंड, संस्कृत महाकाव्य की किन्हीं 5 विशेषताओं को संस्कृत में लिखिए, 5 नंबर आपको इसमें मिलेगा। तो ये था 2018 का संस्कृत का CBSE बोर्ड का क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर, इसका हमने रिव्यू किया। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए, और इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।